एसपी का बड़ा खुलासा। एसपी मनोज कुमार सिंह ने गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर किया खुलासा। गैंगस्टर विकास दुबे अलवर से झालावाड़ आया। झालावाड़ से बस में बैठकर रात्रि 9:15 बजे बाबू ट्रैवल्स की बस की सीट नंबर 6 पर बैठकर उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में देवास गेट बस स्टैंड पर 4:00 बजे पहुंचा। देवास गेट से ऑटो से रामघाट पहुंचा। रामघाट से महाकाल मंदिर पहुंचा। उज्जैन के किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं था विकास दुबे। विकास दुबे के पास कोई भी मोबाइल नहीं मिला। पूर्व में महाकाल मंदिर आता रहा। मंदिर के आसपास के क्षेत्रों से वाकिफ था विकास दुबे। परसों शाम में जो मैं आप लोगों को ब्रीफिंग किया था, उसमें दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को उज्जैन पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसी हमारे महाकाल मंदिर में लगे हैं, उनकी काफ़ी सक्रियता और इंटेलिजेंस खुफिया विभाग की सक्रियता के कारण उसको हम लोगों ने पकड़ करके एसटीएफ और यूपी पुलिस के हवाले किया था। उसके पकड़ने के बाद जो भी बातें हमारे सामने आई कि वो उज्जैन कैसे पहुंचा, किस रास्ते पहुंचा, उसकी जानकारी, उसका सख्त करना बहुत ही आवश्यक था। कई सवाल उसके पीछे थे कि आखिर उज्जैन कैसे पहुँचा, वो कहीं कोई संरक्षण तो नहीं है। इस बात को लेकर के हम लोगों ने बहुत गंभीरता से जाँच करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के आईजी साहब, डीआईजी साहब, हमारे पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा, जिसके चलते हम लोगों ने करीब करीब 11 टीमें बना करके हमने पूरी सर्चिंग का प्रयास किया कि आखिर विकास यादव किस रास्ते उज्जैन पहुंचा। हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और हमने जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, सीडीआरस हैं, होटल्स हैं, लॉज हैं, धर्मशाला हैं, सभी को सघन तलाशी, सघन चेकिंग कराया, जिसके माध्यम से यह पता चला कि विकास दुबे इंदौर उज्जैन कैसे पहुंचा। प्राथमिक तौर पे जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया था, जो पूछताछ विकास दुबे से हुई थी, उसमें यह बात सामने आई थी कि उसने बताया था कि मैं वन डे बिफोर पहले आ गया था, यहाँ रुका था, वहाँ रुका था। उसका तस्दीकी बहुत ज़रूरी था। कुछ सवाल ऐसे थे जिसका आंसर ढूंढना बहुत ही आवश्यक था। उसी कारण हम लोगों ने पूरा पूछताछ किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हमारा जांच हुआ है, जांच में यह बात सामने आई है कि विकास दुबे अलवर से, अलवर राजस्थान से, राजस्थान परिवहन निगम की बस से चला है झालावाड़ के लिए। यह झालावाड़ आया है, झालावाड़ आ करके बाबू ट्रेवल्स की बस से रात में 9 बजे चला है झालावाड़ से, सीट नंबर 6 पे बैठ करके झालावाड़ से ये पहुंचा है 4 बजे सुबह 3:58 पे। एग्जैक्ट टाइम 3:58 है। 3:58 पे ये देवास गेट बस स्टैंड पे उतरा है बैग के साथ। वहाँ पर एक ऑटो चालक से ऑटो किया है। ऑटो में बैठ करके वह वहाँ से मंदिर गया है। मंदिर में एक दो होटल खोजने का प्रयास किया है। उसके बाद सीधे वो रामघाट गया है। रामघाट में स्नान ध्यान करके उसके बाद मंदिर का समय पूछा है कि कब दर्शन कब होते हैं। जब उसको मालूम हुआ कि दर्शन 7:30-8 बजे के बाद हो पाएगा, तो वह आ करके दर्शन के ख्याल से फूल वाला जो प्रथम सुरेश माली है, सुरेश से कहार है, उसके दुकान पे पहुंचा है। और उसके आगे कहानी सब पहले भी मैं बता दिया हूँ। तो कुल मिला करके जो स्टेटमेंट जो पूछताछ में विकास दुबे ने बताया था, उसकी अभी तक कोई बातें वेरीफाई नहीं हुई है। वो जो भी बताया अपने छुपने बचने के लिए बताया है। हमारी जांच में बड़ा स्पष्ट हो गया है कि वो अलवर से झालावाड़ पहुंचा, झालावाड़ से बस से होकर के सीधे वो उज्जैन पहुंचा रात 3:58 पर। उसके बाद ऑटो किया, ऑटो से वो मंदिर गया, रामघाट गया, स्नान किया, फिर दर्शन करने का प्रयास किया। ये बहुत ही सक्रियता हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी सूचना संकलन की पूरी टीम, महाराज की सुरक्षा, महाराजाधिराज महाराज की सुरक्षा में लगी हमारी पूरी टीम, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो, चाहे हमारी पुलिस के जवान हो, और आप सबके सहयोग से उज्जैन पुलिस ने उसको धर दबोचने में सफलता हासिल की। जिस दुर्दांत अपराधी ने हमारे 8 जवानों को, अधिकारियों को शहीद किया था, तो उसको पकड़ के हम लोगों ने उज्जैन यूपी पुलिस के हवाले किया है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस, उज्जैन पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। और अभी इसके बाद भी हमारी बहुत सारी जांचें जारी है और आगे के बाद जो भी सामने आएंगे उस पर आपको अवगत कराएंगे। अभी तक के जांच में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी अधिकारी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी के द्वारा उसको संरक्षण दिया जाना प्रूफ नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी हमारी जाँच जारी है। जब भी जाँच में नए तथ्य आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे।